लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? कारगिल युद्ध के बारे में किसने नहीं सुना होगा। 1999 की लड़ाई हमें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को दिखाती है। हम सब जानते हैं कि इस देश को आजाद कराने में कितने लोगों ने अपनी खून की कुर्बानी दी है। तो आज हम आपको हिमालय को बचाने वाले एक वीर जवान की कहानी सुनाएंगे, जिनका नाम है योगेंद्र सिंह यादव। उन्हें दुश्मन की इतनी गोलियां खाकर भी ब्रेवरी के साथ कारगिल वॉर में टाइगर हिल टॉप को जीतने में इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए भारत के प्रेसिडेंट द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, जनरली ऐसा होता तो नहीं है, मतलब जितने भी लोगों को मेडल्स मिलते हैं उसमें से कई सैनिक शहीद हो जाते हैं। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और बहुत कम जवानी जिंदा रहकर सम्मान ले पाए हैं। ये चक्र पाने वाले वो देश के सबसे यंग सैनिक है। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर भी कहा जाता है। वो जब कौन बनेगा करोड़पति शो में स्पेशली अमिताभ बच्चन जी के बुलाने पर अपने साथ ही परमवीर चक्र पाने वाले सूबेदार संजय कुमार के साथ वहां पर गए और जीत गए, तो उन्होंने उस पूरे अमाउंट को आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दिया। देश की सेवा के लिए साल 2014 में इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े अवार्ड यश भारती से सम्मानित किया। जी हाँ, ये पूरे आर्मी और देश के लिए बहुत ही प्राइड की बात है। बॉलीवुड ने 2003 में LOC कारगिल फिल्म बनाई, जिसमें इनका रोल देखने को मिला, जिसे मनोज बाजपेयी ने निभाया और वो भी बहुत गर्व के साथ। उन्होंने उनके किरदार के साथ पूरा पूरा जस्टिस किया। आज वो 42 साल के हैं और इसी साल 1 जनवरी को रिटायर हो गए। 2022 में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कैप्टन पद से नवाजा और इसी के साथ उन्होंने अपनी आर्मी लाइफ को अलविदा कहा है। दोस्तों, इनकी कहानी सुनकर आप बहुत मोटिवेट हुए होंगे और 2023 में आने वाली फिल्म जवान से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि शायद इसकी कहानी भी ऐसी ही हो और इसीलिए हमें इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार है। साथ ही साथ इस कहानी से और शाहरुख खान से हमें बहुत उम्मीदें हैं। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।